जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताता चलूं कि कायद आज़म स्टेडियम लाला मूसा जो बनने जा रहा था वो किसी वजह से रुक गया है। वहाँ पर आज टूर्नामेंट भी थे, आज वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आज होने थे, बल्कि मुझे उस्मान कादरी साहब के भी फ़ोन आए थे कि जी आपने आके कवरेज करनी है। तो जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर जो हालात मैंने देखे हैं, वहाँ पर जाकर जो मैंने सूरत हाल देखी है, तो सूरत हाल कुछ उल्ट ही नज़र आई और बड़ी परेशानी बनी कि जिस वक्त मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर तमाम के तमाम जो प्रोग्राम हो रहे थे या खेल हो रहे थे वो उनको रोक दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी देखने में नज़र आई, उसके बाद इंतज़ामिया जो सी पटवारी वगैरह जो सी हैं वो भी देखने में नज़र आए, ट्रैक्टर भी जो सी हैं चलते हुए नज़र आए ज़मीनों पर। तो सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे उनसे मैंने सूरत हाल पूछी कि जी यहाँ पर तो एक ग्राउंड की तैयारी हो रही थी, कायद आज़म स्टेडियम बनने जा रहा था, वो स्टेडियम किधर चला गया, उसके बाद यहाँ पर आज काफ़ी प्रोग्राम होने थे, वो प्रोग्राम किधर किधर रह गए। तो मैं आज उस्मान कादरी साहब जो ये सब कुछ करा रहे थे इनसे पूछूंगा, जिन्होंने हमें दावत दी थी और लोगों को दावत दी थी, इनसे मैं पूछूंगा कि आज जी जो सा स्टेडियम बनने जा रहा था जिसका आज इफ्तिताह होना था, वो इफ्तिताह जो सा है वो क्यों रोक दिया गया है, और जो जो प्रोग्राम खेलों के होने थे, जो नौजवान वहाँ पर आए हुए थे उनको बड़ी तकलीफ़ पहुँची है कि जी ये जो प्रोग्राम आज होने थे वो नहीं हो सके, इसके बारे में भी मैं कादरी साहब से पता कर पूछूंगा। चलते हैं कादरी उस्मान कादरी साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि असल माजरा क्या है और क्या वजह बनी है इसकी। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान कादरी साहब, उनसे पूछते हैं कि असल वजह क्या बनी है, उनको प्रोग्राम को क्यों रोक दिया गया है, और ये भी पूछूंगा कि जिस वक्त सारी तैयारी आपकी मुकम्मल हो चुकी थी, आज बकायदा तौर पे ऐलान हो चुके थे कि यहाँ पर स्टेडियम का इफ्तिताह भी है और स्पोर्ट प्रोग्राम भी होंगे, तो ये क्या वजह बनी जिसकी वजह से जो उनसे सारा का सारा काम रुक गया जी। सलाम अलैकुम कादरी साहब। वालेकुम सलाम राव साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने एक हसास मौजू पर आज आकर आवाज़ बुलंद की। ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे के पूरे लाला मूसा के नौजवानों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है। आप गए होंगे, देखा होगा, सुबह से वहाँ पर बच्चे आए थे स्कूलों के, उनको नहीं खेलने दिया गया और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात बनाए गए। वहाँ पर हमारा जो काम शुरू है वो तकरीबन पिछले 2-3 माह से लगातार चल रहा है। वहाँ पर आपको पता था, देखे होंगे आपने, कुएँ थे, उन कुओं को पहले हमने ख़त्म किया, उनमें को में भर्ती डाली, उसके बाद उस ग्राउंड की जो पैमाइश थी उसको पूरा करके उसमें से मिट्टी को निकाल के उसको लेवल उसका कराया गया, फिर उस पर पिच की तैयारी की गई, उसके साथ वहाँ पर पोल लगाए गए फुटबॉल के और दीगर जो है ग्राउंड का लेवल जो है वो किया गया। लेकिन उस वक्त किसी ने भी आकर वहाँ पर कोई हमें ना रोका ना टोका, लेकिन जब ऐन इफ्तिताह का दिन था, और ये मैं आपको चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ वाम को, ये खालिस्तान अपनी मदद आपके तहत बनाया जा रहा था, ये लाला मूसा के नौजवानों के लिए कायद शहर लाला मूसा चौधरी नदीम असर कैरा साहब और उनकी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, जो तकरीबन 13 कनाल पर रकबा मुहित था। ये रकबा जो है ये चौधरी मोहम्मद दीन मरहूम साहब ने 1962 में वक्फ किया, और इस पर जो है कुएँ लगे और पानी, और आपको पता है ये टैंकी पार्क जो हाजी असगर पार्क, इसमें टैंकी है, इसको रेगुलर जो किया गया था 1985 में, ये उस वक्त से बल्दिया के ज़ेर इस्तेमाल जगह है और लगातार ज़ेर इस्तेमाल थी, किसी ने कभी इस पर बात नहीं की। जैसे इस पर स्टेडियम बनना शुरू हुआ और खामोश रहे, जब हमने ऐन इफ्तिताह करना था उसी दिन जनाब यहाँ पर पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार आ गए और उनको हुकूमती सरपरस्ती मौजूद उनके साथ थी, उसमें जितने हमारे हुकूमती नुमाइंदे MNA MPA उनके जो नुमाइंदगान थे वो भी सारा दिन उधर मौजूद रहे। और जब ऐन इफ्तिताह का मौका करीब आया तो पूरे, जब हमने डैम रखा हुआ था 2 बजे, तो पूरे 2 बजे वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस की सरपरस्ती में वहाँ पर जनाब जो है हल चलाई जाती है। जो पिच हमने अपनी मदद आपके तहत जो बच्चों की मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर हमने तैयार की, ग्राउंड को तैयार किया गया, उसे बेदर्दी से वहाँ पर हल को चला दिया गया। जो है ये सारा का सारा, इसमें कोई अगर हकीकत होती तो पहले ही अगर ज़मीन का उनका थी तो ज़मीन वाले पहले आ जाते, पहले रोक देते, वो हमें रोक सकते थे। हम लगातार 3 माह से वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इस पे इतनी बेदर्दी के साथ और ऐन इफ्तिताह के मौका पर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं और जितने मुझे सुनने वाले उन सबको भी बेहतर जानते हैं, अगर रोकना होता तो 2 महीने पहले रोक देते, 3 महीने पहले रोक देते, जब वहाँ पर क्रेनें लगी हुई थी, मशीनें चल रही थी, ट्रैक्टर ट्राली लगा हुआ था, जब हम पिच बना रहे थे वहाँ पर, हम पौधे लगा रहे थे वहाँ पर, तकरीबन 150 पौधे हमने लगाए गए जिनका भी कत्ल कर दिया गया हाल के जरिए, और वहाँ पर पिच को तोड़ा गया, इतने जो पैसे वहाँ पर लगाए काम हुआ, पहले नहीं रोका। लेकिन ऐन जब इफ्तिताह का दिन था, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों इस तरह किया गया, क्या ये बच्चों के मुस्तकबिल के दावों पर लगे हुए हैं,
आज तो मुझे लगता है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की रूह भी तड़प रही होगी कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनके नाम पर एक स्टेडियम और जिसमें बच्चों के खेलने के लिए हर किस्म की खेल मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने जो है बच्चों के साथ भी ज्यादती की, बल्कि आइंदा अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ ज्यादती की। और वहाँ पर जो पहले कुएं मौजूद थे वो 13.5 कनाल जो रकबा था पहले पड़ा हुआ था, उस वक्त कोई भी उसका वाली वारस नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने काम शुरू किया तब भी कोई नहीं था, लेकिन आज एंड जब टाइम था इफ्तिताह का उस वक्त आना एकदम पूरी की पूरी इंतजामिया का मशीनरी का हल में आ जाना और फिर वहाँ पर पुलिस का पहुँचना और सारा बल्दिया के मुलाजमीन पहले हमारे साथ काम कर रहे थे, सब कुछ था, सब कुछ दारे भी पहले थे, तहसीलदार भी पहले था, पटवारी भी था, गिरदावर भी थे, हुकूमत महकमे भी थे, दूसर चीज़ें भी थी, तब उस वक्त हमें रोक लेते, लेकिन ये जो है ना उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया और ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये लाला मूसा के मुस्तकबिल के साथ किया। जी हमारे साथ उस्मान कादिर साहब मौजूद थे, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी इसी तरीके से मैं अभी इस बात तक नहीं जा सकूँ कह सकूंगा कि जी कादिर साहब ने जो गुफ्तगू की यहाँ तक तो ठीक है कि जी आज इनका वाकई इफ्तिताह था और इन्होंने बड़ी तैयारियाँ की थी और उसके बाद टीमें वहाँ पर मौजूद थी, टीमें आई हुई थी, तो जो सा इन्होंने दावा किया है कि जी ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जगह थी, ये बल्दिया की मलकियत थी, इस पर मैं नदीम असर कायरा साहब से गुफ्तगू करूँगा, इस पर मैं रक्सार साहब से भी पूछूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या जिस वक्त ये सारा सिलसिला शुरू होने वाला था उस पर मतलब उन्होंने बुलडोजर लाकर जमीन को जो है वो क्यों मतलब है कि जमीन को खड़ा किया और जमीन को जो है इस तरीके से मतलब बुलडोजर फुलवाया गया कि ना वहाँ पे सारा ग्राउंड जो है वो खत्म हो गया, जो पिच बनाई गई थी वो पिच भी खत्म हो गई, जो फुटबॉल के लिए जो पोल लगाए गए थे उनको भी उखाड़ दिया गया। तो इस पर मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि हमारे अगर चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा नदीम असर कायरा साहब से हमारी मुलाकात होती है उस पर भी मैं उनसे बात करूंगा, या रक्सार साहब जो है जिनका कहना यह कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो उनसे भी मैं बात करूंगा और उनसे भी कोशिश करूंगा सबूत लेने की।